उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे, जिसे लेकर पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में भी उन्हें डराने और फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। वो डरने वाले नहीं है और हर जांच के लिए तैयार है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 2016 में इन्होंने किया था, वो चल रहे हैं और उसको हम बराबर समय समय पर हम उसको अटेंड करते हैं जब भी होता है, लेकिन ये खाली ये सिर्फ और सिर्फ नए मामले बनाकर और उसको जो है हमें एंगेज करने की कोशिश है कि इसको एंगेज करें। और मैं मेरा ध्यान लोकसभा से के चुनाव से हटकर और इन चीज़ों में मेरा ध्यान रख जाए, ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। दुनिया इस हमारे देश के कानून के तहत कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमने नैतिकता को अपना सबसे पहला हमारा जो रहा है कि भाई नैतिकता के साथ चलना, वो बचपन से रहा, हमेशा रहा। तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परेशान करने के लिए, चुनाव को हाथ से फिसलता हुआ देख कर ये परेशान करने के लिए इस प्रकार के समन्स मुझे जारी कर रहे हैं और गढ़वाल की जनता इसे देख रही है।